यहाँ पे अपन जो लिखे पहले यहाँ पे एक कनेक्टर बनाए और इस साइड में डिस्प्ले का सप्लाई आता है ग्राफिक का जो कि अपन अभी पढ़े नहीं। अभी सिर्फ इसमें क्या देखेंगे लाइट सेक्शन बीएल से क्या होगा आपको जाना जाएगा बैकलाइट। बीएल का मतलब क्या है जैसा इधर जैसे यहाँ पे क्या लिखा एलसीडी बीएल मतलब एलसीडी का बैकलाइट का ये सेक्शन है। तो इसमें हमारे तीन लाइन इंपॉर्टेंट है। पहली लाइन का नाम बताइए एनोड। एनोड में वोल्टेज उसके बाद क्या नाम आएगा कैथोड पिन। कैथोड पिन के नाम चेंज होते चले जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ सकता है या नहीं तो क्या आएगा या नहीं तो क्या आएगा। अपने को ये मालूम होना चाहिए कि ये नाम नहीं आया तो फिर क्या आ सकता है। ठीक है अगर ये सब मालूम आया तो ये अपन देख के पहचान सकते नहीं तो वो किधर की लाइन में हम पढ़े सो बोल के सुने नहीं अपन। ठीक है ये चीज क्लियर है। इसके अलावा एक और लाइन है जिसका नाम क्या है PWM बोले तो इसका फुल फॉर्म अच्छा PWM नहीं रहेगा तो क्या हो सकता CABC जो कि हमारी क्या लाइन है ये। ठीक है ये चीज आपकी कनेक्टर टू IC तक ये लाइन कनेक्ट रहती है आपकी। ठीक है और ये लाइन भी अगर मिसिंग हो जाए तो आपका लाइट नहीं आएगा। ठीक है और इसके अलावा ये सारी चीज तो अपन देख लिए। अभी हमारे पास यहाँ पे एक मॉडल है क्या मॉडल है ये A3S कौन सा है A3S। तो ये मॉडल अपन किसके अपन ओपन करें तो मैं पहले रात को देख के आया कि अभी आप लोगों को खुला है आप खोलने के बाद खुले अपन यहाँ पे कोई भी मॉडल का पढ़ सकते हैं कि कुछ पर्टिकुलर एक ही फोन खोल खोल के देखेंगे आपकी चॉइस से देखते हो जो भी सेक्शन पढ़ाना हो आप जो भी मॉडल बोलेंगे हम। और आप लोग भी डायग्राम चाहे किसी का बना सकते हैं ना करें एक ही तो नहीं है बात नहीं एक ही मॉडल सीख लेते हैं उसी के हिसाब से करेंगे सोचते वैसा तो नहीं है। एक यूनिवर्सल मेथड सीख रहे आप चाहे कल के दिन कोई 5G आ जाए या कोई नई IC आ जाए तो उसका डाटा शीट बना सकते सब लोग चाहे बॉल हो चाहे लेगो अभी आप लोग बनाए भी। ठीक है मैं वीडियो के एंड में दिखाता हूँ। चलो यहाँ पे अपन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इसको मेट लेते हैं। ये सब लिख लिया ना आप लोग तो यहां पे जो हमारे पास IC है कितने बॉल का IC है ये 12 बॉल का IC है। तो 12 बॉल ये कैसा है आपको समझ में आया कैसे काउंट करना है क्या है बॉल IC है कि लेग IC है ये ऑलरेडी मैं आपको बता। तो एक एक कितने पिन है इसके अंदर तीन पिन है कितने तीन। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे एक दो तीन पिन तो ये मेरा क्या हो गया ये और ये A3। ठीक है यहाँ पे एक नोज कट पॉइंट डाल देते हैं। उसके बाद में B के कितने हैं सेम जितने A के रहेंगे ऑर्डर कर देते हैं। A के जितने रहेंगे उतने ही क्या करेंगे हम B के मिला देंगे B1 B2 B3। उसके बाद में C के कितने हैं C के भी तीन है C के तीन C1 C2 और C3। उसके बाद में D के कितने हैं D1 D2 D3 हो गया हमारे 12 बल्ब। अब इसमें हम एक एक सप्लाई डालेंगे कि क्या सप्लाई कहाँ से आ रही है और कब आती है कितना वोल्टेज आता है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो कनेक्टर है इसका 30 पिन का दिखा कितने हैं यहाँ पे है ना अभी चेक करें अपन कितने पिन का था 30 पिन का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 चाहिए अपने को उसके बाद इसको यहाँ मिला देंगे सेम ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 तो एक नंबर यहाँ पे है और 15 नंबर यहाँ पे और 16 नंबर यहाँ पे और 20 नंबर यहाँ पे। अब सबसे पहले हम ये देख लेंगे इसमें क्या देख लेंगे कौन सी सप्लाई ढूंढेंगे एनोड PWM वो हम ऐसा भी देख सकते या नहीं तो हम पहले IC का डिटेल भी बना लेंगे क्या कर लेंगे। अब एक सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक IC को इनपुट सप्लाई क्या चाहिए। जैसे सबको पता है वर्किंग ऑफ IC में भी मैं आपको लिखा दिया था तो कोई भी IC को वर्क करने के लिए जो इनपुट सप्लाई आती है उसका नाम बताइए
डॉट से बीपी बीपीएच क्या था भाई बीपीएच कहाँ से आता है सबको मालूम है बस बताना है वोल्टेज कितना आता है वो भी मालूम है है क्या नहीं यहाँ आने से पहले मालूम था क्या अभी मालूम है चलो सबसे पहले इसमें बीपीएच इन करेंगे क्या करेंगे तो यहाँ पे देखो यहाँ से बीपीएच लिख के दिख रहा है आपको यहाँ से पहले मिला एक कॉइल सीरीज के पैरेलल उसके बाद में एक कैपेसिटर मिला सीरीज के पैरेलल उसके बाद में वो लाइन आगे जाके चले गई बी थ्री में कहाँ गई बी थ्री में इन हुई और एक बूस्ट कॉइल के थ्रू डी थ्री में इन हो गई क्लियर बता दो भाई ठीक है तो सबसे पहले कहाँ इन करेंगे बीपीएच को बी थ्री कहाँ है हमारा यहाँ पे है ना यहाँ पे क्या डालेंगे बीपीएच डाल के वोल्टेज डाल देंगे और ये जो वोल्टेज आ रहा है कहाँ से आ रहा है हमको डीसी टू डीसी से तो बीच में एक कॉइल मिला और एक कैप मिला अब मैं कंपोनेंट नहीं बना रहा हूँ डायरेक्ट इसमें डाल देते हैं ठीक है अगर वैसे बनाना है आपको तो आप क्या कर सकते हैं एक कॉइल उसके बाद में क्या मिला एक कैपेसिटर इस तरह से मिला इसको भी आप क्या कर सकते हैं पैरेलल में डाल सकते हैं ये सी हो गया और ये एन हो गया सिंपल है अब यहाँ से बी थ्री से लाइन निकली एक बड़ा सा बूस्ट कॉइल है और वो डी थ्री में चलेगी कहाँ गई डी थ्री यहाँ पे हमारी तो मतलब यही लाइन आगे निकली और बीच में क्या मिला एक बी एल लिख देते हैं और ये लाइन कहाँ चलेगी हमारी डी थ्री और यहाँ पे लिख देते हैं एस डब्ल्यू का मतलब होता है स्विचिंग क्या होता है और अगर एस डब्ल्यू नहीं रहेगा तो वहाँ की क्या लिख के रहेगा एलेक्स लिख के रहेगा या तो फिर तो ये जो यहाँ पे होती है स्विचिंग होती है हमारी यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा था अपने को चार वोल्ट ये बंद कंडीशन में कौन से जब मोबाइल आपका ऑन होगा तो ये वोल्टेज क्या होगा यहाँ से बूस्ट होगा और कितना बन जाएगा ठीक है ये बताया ना अपने को अभी यहाँ तक डाल दीजिए अपन ठीक है ये तो इनपुट में दिए अभी आगे का बाद में बनाएंगे इसके अलावा जब इसमें हम प्लस की लाइन जब वोल्टेज की लाइन देते हैं तो हमको पता है ग्राउंड भी उसमें चाहिए ना भाई अगर ग्राउंड के क्या कोई सेक्शन काम करेगा नहीं करता तो ग्राउंड है हमारा सी टू देखो क्या है हमारा ग्राउंड तो यहाँ पे क्या डाल देंगे अपन ग्राउंड ग्राउंड में सी थ्री भी क्या है हमारा ग्राउंड कहाँ पे ग्राउंड दो पिन क्या हो गए ये पॉजिटिव वोल्टेज आ गया साथ में क्या आ गया इसके ये आईसी के लिए ग्राउंड है किसके लिए आईसी के लिए चलो इसके अलावा और देखेंगे यहाँ पे इनपुट के लिए किसके लिए इनपुट अब इसको चाहिए सीपीयू से कमांड चाहिए कम्युनिकेशन चाहिए तो वो किसके थ्रू कर रहा कौन सी सब कौन सा कमांड लाइन इसमें यूज कर रहा एसपीआई कर रहा आई टू सी कर रहा क्या इनेबल कर रहा आई टू सी और इनेबल दोनों भी है इसके अंदर तो आई टू सी का जो सप्लाई है दो लाइन आते हैं आई टू सी में एक का नाम है सीरियल क्लॉक और दूसरे का नाम सीरियल डाटा क्या है तो सीरियल क्लॉक जो आ रही है हमारी बी टू पे आ रही कहाँ आ रही बी टू पे आ रही है हमारी क्या आ रही है एस सी एल और डाटा किधर आ रहा है हमारा ए टू पे यहाँ पे क्या आ रहा है एस सी ए सिंपल है तो ये लाइन और ये लाइन दोनों कहाँ से आ रहे भाई साहब वेरी गुड कहाँ से आ रहे हैं यहाँ पे बना देंगे सीपीयू ठीक है क्लियर है और यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेंगे आपको 1.8 यहाँ भी क्लियर है यहाँ तक एक आई टू सी लाइन डाल दिए इसके अलावा क्या डाल दिए अपन ग्राउंड डाल दिए बीपीएच इन डाल दिए एलेक्स डाल दिए अभी बच गए कितने चार पांच छह पिन बच गए कितना बच गया अब इसमें से ए थ्री में देखो यहाँ पे एस डब्ल्यू इनेबल हार्डवेयर इनेबल ये लाइन को भी हम चेक कर सकते कहाँ से आ रही है यहाँ पे ये हमें लिख के दिख रहा है आपको पावर रिसेट एलसीडी तो इसको यहाँ पे तो एनसीए मतलब ये लाइन नहीं है ये नीचे वाली लाइन एलसीएम एलईडी ईएन ये पूरा का पूरा सेलेक्ट करेंगे इसको इधर तरफ नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आ गई हमारी ये लाइन कितने नंबर पे आई AL37 कितने पे आई GPIO मतलब जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट ये देखो U3201 एक आईसी है क्या आईसी है अब यू 3201 क्या है यहाँ पे आके डालेंगे इधर कोनल U32001 सर्च करेंगे तो ये यहाँ पे आएंगे छोटा सा यहाँ पे छोटा करेंगे तो 3201 क्या है हमारा सीपीयू है क्या है सीपीयू तो अभी कौन सी लाइन सर्च करें अपन हार्डवेयर इनेबल हार्डवेयर इनेबल वाली जो लाइन है आपकी ये सर्च करें तो कहाँ पे आई है
सीपीयू के साथ कनेक्टेड है A3 से, कहां से? तो A3 से हमारी एक लाइन यहां पर कनेक्टेड है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, SWEN, यहां पे भी आपको मिलेगा 1.8 वोल्ट। क्लियर है? एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, कितने लाइन हो गए सीपीयू से अभी तक कनेक्टेड? तीन लाइन। इनमें से कोई भी लाइन अगर डिस्कनेक्ट हो जाए सीपीयू के साथ तो आईसी काम नहीं करता। अच्छा, मेरे को आईसी का मास्टर हूँ, 12 वोल्ट के आईसी वर्किंग फोन में से निकाल के डाल दिया, ये एक लाइन ब्रेक रहती, काम करता है ना? तो ये जो डायग्राम सीख रहे कितना इम्पोर्टेंट लग रहा है आपको? आईसी लगाना कितने दिन में सीखे? कितने दिन में? और ये सीखने के लिए साल भी लग सकता है, पूरी जिंदगी भी लग सकती है, समझ रहे? इसको हर दिन कुछ नया नया इसके अंदर क्या रहता है, आगे रहता है, समझ में आ रहा है? ऐसी एक बार सीखे रिवॉल्व करना तो गेम खत्म, पूरे जगह लगा ले रहे ना, ऐसी ब्लैक पेस्टेड कर ले रहे हैं, व्हाइट पेस्टेड खोल ले रहे हैं, कर रहे ना, लेकिन फॉल्ट फाइंडिंग को ही दिमाग लगता है, समझ रहे? मेहनत इसमें ही लगती जो हमको पसंद नहीं आता है ना, ऐसी कहाँ डायग्राम खोलना, इतने बॉल गिनना, कहाँ ये बनाना सर डाटा, सीधा आईसी तो डाल देते, आईसी डालने वाले भी आते सेट आपके पास, वो तो बन जाते। कुछ ऐसे भी आते जो अंदर बदमाश रहते, ड्रैगर ब्रेक हो जाती है, लाइना शॉर्ट हो जाती है, ठीक है? कहाँ तक आ गए अपन? A3। इसके अलावा यहाँ पे देखो, अब बात करते हैं हम यहाँ पे A1 की, किसकी? A1 क्या लाइन है हमारी? PWM पल्स विद मॉड्यूल, क्या है? अब इसको यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये कहाँ लेके जाएगा? ये कनेक्टर पे, तो कितने में आ रही A1 जो पिन है हमारी, ये क्या है? PWM, इसमें भी आपको 1 वोल्ट लेके 1.8 तक मिलता है, समझ में आ रहा है? यहाँ लिख दिया भाई। और ये लाइन जो है हमारी सर्च करेंगे नेक्स्ट और देखेंगे कनेक्टर पे कितने नंबर पे जा रही है, ठीक है? अब सर्च क्या करना है, LCD PWM, ये लाइन को सर्च करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ पे आई ना ये लाइन, अब कनेक्टर पे कितने नंबर पे है, इधर बताओ कितना नंबर? 29। कहाँ पे आ रहा हमारा 29? यहाँ पे आ रहा है। तो हमारी जो पल्स वीट मॉड्यूल वाली लाइन है यहाँ से ले लेंगे इस तरह से, ठीक है? इसको कहाँ लेके डालेंगे? 29 कहाँ पे मिल गई लाइन? यहाँ पे क्या लिख देंगे? क्लियर है? 29 नंबर पिन पे कहाँ से आ रही सप्लाई? कौन से बॉल से? A1 से। कहाँ से आ रही? क्लियर है? चलो और आगे बढ़ेंगे, वापस वहीं पे आएंगे डिस्प्ले आईसी के पास, लाइट आईसी के पास, आगे लाइट आईसी के पास। अब हमारा ये साइड पूरा हो गया कंप्लीट। अब यहां से SW जहां पे लिख के था, यहां से देखो यहां तक छोड़ दिए थे लाइन अपन, यहां पे आपको मिलेगा एक सीरीज में डायोड, क्या मिलेगा? जिसका प्लस का सिरा इधर रहेगा और माइनस का जो एनोड है इधर है और कैथोड इधर, कैथोड के बाद लाइन आगे बढ़ेगी, क्या होगी? आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ने के बाद में क्या मिला यहाँ पे? एक कैपेसिटर, क्या मिला? कैपेसिटर के बाद में मिला एक कॉइल, नॉर्मल कॉइल, क्या मिला है? नॉर्मल कॉइल इस तरह से मिला, इसको डी डाल देता हूँ, उसको सी डाल दिए, एल कॉइल मिला, कॉइल के बाद में फिर एक कैप मिला, क्या मिला? तो ये जो कैपेसिटर रहते हैं इसको बोलते हैं लोड कैप, क्या बोलेंगे? और ये रहते हैं 50 वोल्ट के, कितने? 50 वोल्ट। इससे पहले भी बताया था मैं आपको, याद है 50 वोल्ट का क्या, जब कैपेसिटर पढ़ रहे थे अपन, इसकी कैपेसिटी क्या है? 50 वोल्ट की सहने की है। अब यहाँ पे मैं 50 वोल्ट की जगह 10 वोल्ट का, 5 वोल्ट का लगाऊंगा तो काम चलेगा क्या? इसीलिए लाइट सेक्शन में आपको इतने वैल्यू का कैपेसिटर इतने वोल्ट का ही डालना है, समझ गए? आपको तरीका भी बताया था मैं, एक बोर्ड के अंदर पैसे खा रहा था कौन सा बंदा हो? हाँ याद है ना, अपना लाइट का एक कैप निकाल के डाल दिए, फिर वो बोर्ड फेंक देंगे क्या? अपने को तरीका मालूम है उसमें से कितने बार पैसे कमा सकते हैं, समझ गए ना? ठीक है, तो दो कैपेसिटर हमको लोड कैप मिले, उसके बाद में ये लाइन आगे बढ़ी, ठीक रहा लाइन? तो अब ये लाइन डिस्प्ले कनेक्टर पे कितने नंबर पे हमारी प्लस की लाइन जा रही है वो देखेंगे, ठीक है? यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे प्लस भी डालना होगा, क्या डालेंगे? नहीं तो फिर इसके साथ घुमाता रहेगा। नेक्स्ट करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे आ गई लाइन आपकी, यहाँ आते ही एक भाई साहब मिले, क्या नंबर है?
जोर से बोलो C2333। उसके बाद में ये डॉट दिख रहा ना गोला बड़ा, इसके साथ इन्हें कनेक्टेड है, ये सारे कनेक्टेड है क्या? चलो और आगे बढ़े, आगे कितने नंबर पे? 17 नंबर। 16 यहाँ है तो 17 यहाँ पे रहती, तो 17 नंबर मेरी क्या लाइन है? LED+ बोलो या एनोड की सप्लाई बोलो, ठीक है। बंद कंडीशन में यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा कितना? और चालू में याद रखते हैं, बंद में बैटरी लगते रहते ना, तो ये VPH वोल्टेज आते रहता हूँ, क्या आएगा? और चालू में क्लियर है? कितने लाइन ला लिए अभी तक अपन ने? दो। अभी और एक इम्पोर्टेंट लाइन, क्या है वो? कैथोड। क्या है? कैथोड पिन, ठीक है। वापस से यहीं से वापस चलते हैं लाइट एसी के पास, आगे लाइट एसी के पास। अब हमारा कैथोड के कितने पिन यूज कर रहा है ये? दो। कितने? दो। कैथोड वन किसमें आ रही? यहाँ पे क्या लिख देंगे? B1। कैथोड टू किधर है? सी। क्लियर है? जैसे ही लाइन ये बाहर निकली, ये लाइन बाहर निकली, कुछ कंपोनेंट है क्या कैथोड में भी देखते, सीरीज में भी आते कभी? yes, कॉइल आ जाता, जीरो ओम्स का रेजिस्टर आ जाता, अब वो बीप मार रहा बोल के बच्चे हटा देते, तो लाइन क्या हो जाती? फिर ब्रेक हो जाती। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे पूरा ऐसा एलईडी डाल के, नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे आए अपन वहीं से भी, और नेक्स्ट करेंगे आगे यहाँ पे कुछ भी कंपोनेंट बीच में नहीं है। तो अब डिस्प्ले कनेक्टर पे जो कैथोड की लाइन थी कितने नंबर पे थी भाई? 17। अच्छा देखो ये लाइन है एक 19 पे और 20 पे, इधर 19 और 20, ये हो गई 18, ये हो गई 19, ये हो गई 20। तो अभी हमारे पास ये एक लाइन है कैथोड और ये एक है, और ये ऊपर की जो है K1 है और नीचे की K2। तो ये मेरी कैथोड वन पी नहीं, क्या है? कैथोड वन। इधर से यहाँ पे मिला दूंगा मैं इसको, मिल गया। और ये कैथोड टू ऐसा ले लेंगे। ये बोर्ड के अंदर से ट्रैक ऐसे ही रहती, अपने को दिखती क्या ये? नहीं दिखती ना अपने को, तो इसलिए हम यहाँ से यहाँ तक खाली बजर मार के देख लेते, ऐसे देखते। बच्चे कितने पिन? दो। D1 और D2। चलो वापस आएंगे लाइट आईसी के पास और चेक करते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। अब D2 देखो, यहाँ पे ये जो डायोड है हमारा, डायोड का जो माइनस का सिरा, इससे ये लाइन वापस आईसी को आती है, इसलिए आती है कि वो बूस्ट वोल्टेज बना के नहीं बना, इसको बोलते हैं फीडबैक पिन। क्या बोलते हैं? OVP वो तो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन नहीं है यहाँ पे क्या है? फीडबैक। तो कितने में आई है? D2 कहाँ से आई? ये डायोड के प्लस वाले माइनस वाले सिरे से निकलेगी और कहाँ आएगी? D2। तो इसको क्या बोलेंगे? फीडबैक। मतलब ये बूस्ट वोल्टेज यहाँ बना के नहीं बना देखने के लिए, और डायग्राम में क्या लिख के दिया? OVP। कभी क्या लिख के रहता? FP। फीडबैक या OVP, समझ रहे मतलब यही वोल्टेज बूस्ट वोल्टेज इधर आएगा, तो ये आईसी को लगेगा हाँ भाई अब बन रहा है। मतलब कोरियर हमारा मिलने के बाद एक मैसेज आता है आपको, योर कोरियर हैज बीन डिलीवर्ड, आता ना, और उसके पास भी जाता है, हाँ भैया दे दिया, और साइन करा के देता हूँ कंपनी वाले, तो उन्हें भी सेटिस्फाई हो जाता हम भी। तो ऐसे ये बूस्ट वोल्टेज बना के नहीं बना, ये कंफर्म करते। बचा क्या अभी हमारा? D1 ने NCIA कैथोड के लिए छोड़ दिए, कैथोड 3 के लिए। इसके लिए अगर कोई डिस्प्ले में 3 कैथोड है तो वो यहाँ से एक लाइन ले लेता हूँ। तो ये क्या है हमारा? K3 और अभी NCA नॉट कनेक्टेड, पता है ना अपना। तो ये कितने बॉल का AC है? 12 बॉल का AC है, और इसको अपन और एक नाम भी है इसका, D8 बोल के फेमस नाम रहता, क्या रहता? ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया पूरा लाइट का पूरा अपन बनाए, ये कोई रेगुलर देख के तो नहीं बनाए ना पहले से, अभी लाइव बनाए ना आपके सामने, ठीक है। सब लोग बना सकते हैं? चलो फटाफट बनाओ, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते, इतना डिटेल में बताने के बाद में तो सवाल ही नहीं रहता। समझ में आ गया? ठीक। तो एक काम करो, जो फेयर बनाए थे वो बताओ, कल बनाए थे परसों बनाए थे थोड़ा बताओ, और क्या क्या बनाए सब लोग बताओ जरा, यहाँ बताएंगे अपन। वेरी गुड। पावर एसी सेक्शन है ये? हाँ सर। ठीक है, एक बनाए चार्जिंग का सेक्शन, वेरी गुड, बहुत अच्छा बनाए। ये फेयर नोट्स है ना ये? हाँ सर। कब बनाए ये? सर कल रात में, हॉस्टल में। हाँ सर।
ठीक है, वेरी गुड। आपका बताओ। ठीक है। और वाह, ये समझ के बनाए कि कहीं से कॉपी कर लिए? नहीं सर। समझ में आ रहा कौन सी लाइन क्या है? आपका महाराष्ट्र से? आप महाराष्ट्र से ना? आप अतुल से? और आप गुजरात से? समझ में आ रहा? सर। ठीक है, तो मैं ये बनाए और ये बनाए। वेरी गुड। ये पावर सेक्शन। तुम कहाँ से? भीड़ से। महाराष्ट्र से? ठीक है। तुम्हारा पेर नोट्स? ठीक है। आपका? ठीक है। आप कहाँ से? महाराष्ट्र। ये बताओ अच्छा है क्या बने? ठीक है। आप कहाँ से? कर्नाटक। और कुछ बनाए ऐसे पैर में? ठीक है। ये देखो भाई, आप कहाँ से? उत्तराखंड। उत्तराखंड से? ठीक है। फेर नोट्स? और इधर के हो गए। तुम्हारा कहाँ है भाई? तुम भी बनाए थे ना, बताओ। वेरी गुड। ठीक है, ठीक है। ये देखो भाई कितना अच्छा बनाए। फास्ट चार्जिंग आईसी? आप कहाँ से? कोलकाता से? ठीक है। सोहेल तुम्हारा बताओ। छुपा ले रहे थोड़ा उठ के बताओ। वेरी गुड, मेहनत कर रहे तो छुपा रहा क्यों? और बताओ अच्छा बनाए। वेरी गुड, वाह। ठीक है। और रात में एक पीक्यू आईसी भी बनाए। ये समझ में आ रहा कौन सी लाइन क्या है? वेरी गुड। चार्जिंग सेक्शन बनाए। तुम कहाँ से? वैसे छत्तीसगढ़ से। आने के टाइम में बहुत तंग करते थे सर, मैं ये सीख पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, कितने बार कॉल करे मालूम? ये अभी डायग्राम देखो कितना अच्छा बना रहे। वेरी गुड। और ये कौन सा सेक्शन पढ़े अपन अभी? लाइट सेक्शन। इसमें से लाइन आप सब पता है कौन से किधर है क्या है? अभी अपन क्या करेंगे, कोई दूसरे दो मॉडल खोलेंगे। इसका तो समझ गए आप लोगों की चॉइस, जब से बोल रहे थे ना पीछे से ये मॉडल, तो उसमें से क्या करेंगे अपन ओपन करेंगे और उसमें से भी देख लेंगे। ठीक है, बताओ आपका। ठीक है, आपका बताओ। ठीक है, आपका। और ये देखो इन्हें अच्छा बनाया। वेरी गुड। आप आपका चल रहा अभी। और पीछे से?